तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वीवीए की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि सैंपल डेटा है, ओरिजिनल डेटा थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन मैं यहां पे सिंपल रखता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। मेरे पास से डेटा है जिसमें हमारे पास डेट्स हैं, डेट के जस्ट नीचे नेम है, इसके सामने अमाउंट है और यहाँ पे क्रेडिट है या डेबिट है। हो सकता है इसमें और भी टेक्स्ट हो, बट क्रेडिट डेबिट मान लीजिए है, और यहाँ पे इसी तरह से है, और इसमें बहुत सारे ब्लैंक शीट है, बट फॉर्मेट कुछ इसी तरह से है कि यहाँ इसमें सिर्फ डेट ही का कॉलन है और डेट के जस्ट अगली सेल के नीचे पूजा है। तो फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, बट क्या है कि इस तरह के फॉर्मेट है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिक्वेंशियल फॉर्मेट चाहिए कि 1 जनवरी, यहाँ पे पूजा, और यहाँ पे क्या है क्रेडिट है, तो 3650 क्रेडिट में आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे आपका नीतू है, तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि 1 मार्च, और यहाँ पे हमारा नीतू हो जाएगा, और ये क्या है डेबिट है, तो ये हमारा डेबिट में 3652 चला जाना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या सर? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, हम विजुअल बेसिक पे आते हैं, यहीं पे लिखते हैं सब्जेक्ट, कॉपी करके, कॉपी। तो सबसे पहले हम रेंज A1 dot and and Excel down, ठीक है सर? क्लियर है? तो यहां से कर्सर यहां आएगा, इस वैल्यू को उठा के डेट के नीचे रखेगा, तो यहां होगा रेंज, ये अलग सीट पे हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं सेम सीट पे लिखता हूं ताकि आपको रिजल्ट दिखे। रेंज A 65,000 डॉट एंड XLS डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। ताकि यहां से कर्सर नीचे की तरफ आएगा, इस वैल्यू को हम यहां 65,000 से ऊपर जाएंगे और यहां पे डाल देंगे। एक कोड आपका यही कर रहा है। अतीश जी समझ में आया आपको? हाँ यस सर। अब मुझे इसके ये पूजा को उठा के कहां डालना है, नेम पे, तो इसी को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और जैसे हमने फॉर्म इवेंट समझाया था उसमें मैं -1 कर देते हैं और यहाँ पे देते हैं एक्टिव सेल डॉट ऑफ सेट, और हमने यहाँ पे डाल दिया कि भाई 1 रो और 1 कॉलम डॉट वैल्यू, ठीक है, कि 1 रो नीचे आएगी 1 कॉलम आगे आएगी। अब यहां पे मुझे लेना होगा एक वेरिएबल की डिम एज ए स्ट्रिंग, और फिर यहां हम टी इक्वल टू करेंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, अब यह आता है 2,1 dot value। फिर यहां हम देते हैं टी इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट में हम देते हैं टी में से 2 लेटर अलग कर। अब यहां पे कंडीशन होता है कि इफ टी इक्वल टू सी आर, स्पेलिंग सेम होना चाहिए, मतलब कि सेम केस होना चाहिए, देन क्या करना है कि इसको कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट करते हैं। अब यहां पे 1 नहीं होगा, यहां पे होगा 1, 2, तो यहां पे हम देंगे कि 2 कॉलन,
और यहां भी आपका एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट वन रो तो नीचे आएगा ही आएगा, लेकिन एक दो तीन चार, यहां पे हमने बोला कि चार कॉलन आगे जाए इसकी वैल्यू। यस सर, यस सर। एल्स अगर सीआर नहीं हुआ तो ये क्या करे, टू के जगह पे थ्री, मतलब अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो डेबिट में जाके डालेगा। मैं एक बार सिंपल रन करके देखता हूं, बिल्कुल सही है। अगर मान इसको डिलीट करता हूं, डीआर करता हूं, ठीक है, यस सर। पर प्रॉब्लम ये है कि ये तो सिर्फ एक को कर रहा है, बाकी नीचे वो क्यों नहीं कर रहा है क्या? तो सर इसके लिए मुझे यहां पे एक और काउंट निकालना होगा, क्योंकि लूप में डालना है तो आके लूप चलेगा कितना बार, तो एक कॉलम में जितने डेट है उतना बार चलना है। तो हम यहां पे डी एज ए लॉन्ग लिए और यहां पे d इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्क बुक फंक्शन डॉट काउंट ए अकाउंट लगाया, अकाउंट में हम देते हैं रेंज a बाई a, ठीक है। तो ये क्या करेगा, काउंट निकाल लेगा। अब मैं इसको लूप में डालूंगा कि 4i इक्वल टू चले 1 2 कौन सा d, यस, और नेक्स्ट ये मैं इसको क्या हुआ, रेंज a1.xldown.select है तो वहां पे हम d दे सकते हैं ना, d नहीं, यहां पे इसको कट करके मुझे ऊपर डालना पड़ेगा, नहीं यहां पे हमें देना होगा रेंज ए वन डॉट सेलेक्ट, ठीक है, और यहां देना होगा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डी ओ एन डाउन, ठीक है। अब मैं इसको एक एक करके रन करता हूं ताकि मैं इसका इफेक्ट दिखेगा, थोड़ा नीचे भी कर देता हूं यहां पे, देखिए कोड सर कैसे वर्क कर रहा है। ओह सॉरी, सेल्फ फंक्शन डॉट बिन ऐड मिस्टेक हो गया। काउंट निकल गया, इसने काउंट कर लिया कि टोटल चार है, चार डेट है, सही है, ओके, एफेक्ट किया और यहां पे आए, कर्सर नीचे आ गया, अब इसकी पूरी वैल्यू को लिया और इसने डाल दिया नेक्स्ट। अब यहां से कर्सर सीधे यहां आ गया, गल गई वैल्यू सर, देखिए यहां पे। तो सर ये सिलेक्शन डॉट एन एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट वाला जो कोड है वो ये कर रहा है कि जो जहां पे लास्ट कर्सर है वहां से नीचे एक स्टेप आ रहा है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे छोटा सा गलती हो गया, ए यहाँ नीचे होना चाहिए था, डेटा सेम फॉर्मेट में होना चाहिए सर। यस, ठीक है, अब मैं इसको रन कर देता हूँ, समझ गए? यस सर, यस। मुझे आप ये बताइए कि इसमें आपको क्या नहीं आता था, कौन सा कोड आपके लिए नया था इसमें? सर कोई कोड नया नहीं था, लेकिन ये जो कंसेप्ट जो आपने ये एकदम फ्लोलेस लगा दिया ना, ये इतना सोचने सोचने में हमारा टाइम लगे, यही तो सीखना है सर आपको।
बाकी आप जैसे जैसे करके करते गए पूरा समझ में आ रहा था कि हाँ ऐसा ही होगा। यही तो आपको सोचना था। आपको मैंने क्या बोला कि हर प्रॉब्लम को पहले मैनुअल कीजिए। आप मैनुअल करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना। यस यस हम मैनुअल अगर करते तो हम यहाँ पे कर्सर जाते, नीचे आते, डेट उठा के पेस्ट करते, फिर मैं नीचे आते साइड में जाता और फिर इसको उठा के पेस्ट करता, फिर इसके नीचे डीआर सीआर देखता, डीआर है तो इसको उठा के डीआर में डालता या फिर सीआर में डालता। सही है। समझ गए? यस सर। तो अब इसमें जैसे कि कुछ चीजें इसमें मैंने छोड़ दिया है, जैसे कि इसमें था ना डेबिट फ्रॉम मनीष शर्मा, अभी जो मनीष शर्मा है यहाँ पे फ्रॉम दीजिए, ये आप ऐड कीजिए। क्या बोले जाहिद जी? सुजीत सर, एक्चुअली मैं उस दिन क्लास में नहीं था, तो एक बार मुझे बता दोगे और मुझे प्लीज फाइल सेंड कर दो तो मैं ट्राई करूंगा नहीं, प्लीज। यही सेम है जो बता रहा हूँ, यही चीज है, यही चीज करना। बट इसमें क्या है कि अभी तो हमने सिर्फ डेबिट क्रेडिट डाल दिया सिंपलाइज करने के लिए, पर डेबिट जी सर। क्रेडिट नहीं है सर। इसमें ऐसा हो सकता है डेबिट फ्रॉम मनीष शर्मा, डेबिट ओके फ्रॉम सर। पूजा भाटिया, डेबिट फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम, ना किसको दिया गया, किसको लिया गया है, फ्रॉम टू, ओके ओके फ्रॉम एंड टू, राइट? तो अगर सर। डेबिट फ्रॉम मनीष, मैंने यहाँ पे डेबिट डीआर फ्रॉम मनीष, यहाँ पे मनीष शर्मा, या कैरी टू कुणाल, डेबिट टू लगा हुआ है इसका मतलब है कि टू वाले में जाएगा, ओके सर। और फ्रॉम लगा है तो फ्रॉम वाले में आएगा। अब इस कोड को रेफरेंस में लेते हुए आप बनाइए। यस सर। ठीक ओके है, ठीक। ठीक है सर। कीजिए। हाँ ओके सर। ओके सर, ये कोड दे दीजिए ना, भेज दीजिए। कोई कोड देना पड़ेगा ना, बात नहीं। मैं व्हाट्सएप दे दूँ, मैं हाँ कोई बात नहीं सर। ग्रुप में डाल दिया। ओके, थैंक मिलते यू हैं सर। कल गुड सेम टाइम। ओके बाय, गुड नाइट सर। नाइट।